अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज रिज़वान चीमा। आई वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी। आज के स्टूडियो में लाहौर स्मार्ट सिटी में जो स्टेटस और डेवलपमेंट है रिंग रोड के बिल्कुल साथ साथ, वो एक्सप्लेन करूंगा। वॉकिंग टेल एपिसोड 23। और इस वीडियो में जो एरिया सेल नहीं किया गया सोसाइटी की तरफ से, या इसको शायद फ्यूचर में सेल ना किया जाए, उस एरिया के हवाले से बताऊंगा। लेकिन वैसे सोसाइटी ने उसकी डेवलपमेंट पर जैसे काम किया है, वो आपको मैं एक डिटेल विजिट करवाता हूँ, तो आपको उससे काफ़ी हद तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि सोसाइटी के इस वक्त इंटेंशन किस तरफ जा रही हैं। इस वक्त मैं जिस स्ट्रीट में मूव कर रहा हूँ, ये रेलवे लाइन के साथ जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं चारमला के, ये वो वाली स्ट्रीट्स हैं जो एंड से जाके लीड करती है, डायरेक्ट होती है, कनेक्ट होती है विद द एंट्रेंस पॉइंट फ्रॉम मेन ग्रैंड ट्रंक रोड। और इसके साथ साथ ये सारे चारमला कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये उनकी पार्किंग के लिए कुछ रिजर्व है, और वैसे यहाँ पर जो फुटपाथ वगैरह होते हैं वो बन रहे हैं। ये जो इस साइड पर स्ट्रीट है, यानी इस स्ट्रीट के जो लेफ्ट साइड प्लॉट्स हैं इस तरफ, यानी ये वाले प्लॉट्स हैं, ये एक नाल के प्लॉट्स हैं। और ये प्लॉट्स जिन मेम्बरान जो 100% पे करेंगे, अपने ड्यूज क्लियर करेंगे, उनको एलोकेशन की जाएगी, वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे इस स्ट्रीट से आगे, यानी ये जो स्ट्रीट्स हैं इससे आगे, ये वाला जितना एरिया आपको नजर आएगा जो लाहौर स्मार्ट सिटी की, लाहौर रिंग रोड की या ईस्टर्न बाईपास की सबसे क्लोज वसिनिटी में आता है, सबसे ज़्यादा क्लोज डोमेन में आता है। और अगर सोसाइटीज़ को करोड़ों के हिसाब से पर मरला बेचना चाहे तो उसे सेल कर सकती है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लाहौर ईस्टर्न बाईपास से डायरेक्ट व्यू मिलता है। इवन कुछ ना करें, मार्केटिंग के लिए बोर्ड लगा दे सिर्फ, तो लाख लाख डेढ़ लाख दो दो लाख रेंट पर मंथ वैसे ही आ जाएगा। जैसे वो बोर्ड लगे हुए ना साइड पर, मैं जूम करता हूँ, जैसे ये बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, ये लाहौर के अपने बोर्ड लगे हुए हैं, इन्हीं बोर्ड की तर्ज पे करे तो वो कर सकती है। लेकिन सोसाइटी ने ये एरिया जिस पर्पस के लिए रिजर्व किया है, मैं आपको वो बताता हूँ। ये लाहौर ईस्टर्न बाईपास के साथ वाला एरिया सारा, अब सोसाइटी की तरफ से ये जो एरिया रिजर्व किया गया है, और जिनकी इतनी तेजी से डेवलपमेंट मुकम्मल की गई है, और फुटपाथ बल्कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इस तरह की इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है जितनी अच्छे यहाँ पर लगाए गए हैं, ये देखें स्ट्रीट लाइट्स। अच्छा, ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं जिस पे फुटपाथ पे मैं चल रहा हूँ, ये सारा का सारा एरिया रिजर्व किया सोसाइटी ने फॉर प्लांटेशन, यानी कि इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे, यानी कि स्ट्रीट की राइट और लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ जो फ्रूट ट्रीज हैं उनको प्लांट करेगी। हालांकि ये करोड़ रुपये पर मरला जमीन बिक सकती है, लेकिन सोसाइटी ने इसको इसलिए रिजर्व किया है ताकि जब भी फ्यूचर में लाहौर ईस्टर्न बाईपास से कोई भी ट्रैफिक का फ्लो गुजरे, तो सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे जब प्लांटेशन नजर आएगी, ऑटोमेटिकली वो जो व्यू होता है वो आई कैचिंग बनता है, जो प्रोडक्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। यानी कि इस एरिया से जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा लोगों ने गुजरना है, लाहौर रिंग रोड है तो डेली का ट्रैफिक यहाँ पे लाख से डेढ़ लाख गाड़ी का ट्रैफिक डेली पे है यहाँ पे। अब जैसे ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये अभी गाड़ी रोक के यहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी का व्यू देख रहे हैं, यहाँ तो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे करना चाह रहे होंगे, या मेरी बरादरी का बंदा होगा कोई, लेकिन एंड ऑफ द डे लोग यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, देखते हैं साइट को, तो साइट की व्यू को, लैंडस्केप को अच्छा बनाने के लिए, आई कैचिंग बनाने के लिए सोसाइटी ने यहाँ पे फैसला ये किया है कि इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर, यानी कि ये स्ट्रीट की राइट साइड है, ये आपको जो कुछ तार वगैरह नजर आ रही है, ये इसके परली तरफ जो है ना लाहौर ईस्टर्न बाईपास की जमीन है, उससे पहले पहले जितनी ज़मीन है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की है, तो सोसाइटी की तरफ से उस पूरी ज़मीन को जस्ट फॉर हॉर्टिकल्चर यूज़ किया जाएगा, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं होगा, कोई कमर्शियल प्लॉट नहीं होंगे, और सोसाइटी ने अच्छा खासा बजट इन्वेस्ट करके यहाँ पे इस एरिया को ऐसा बना दिया कि यहाँ पर तमाम के तमाम विजिटर्स जो विजिट करें लाहौर स्मार्ट सिटी को, साइट को देखें, और वैसे इटसेल्फ साइट पर आएँ तो उनको एक आई कैचिंग व्यू मिले और एक प्लेजेंट व्यू मिले, प्लेजेंट लैंडस्केप मिले, तो ये रीज़न है ये एरिया सारा इस तरह से डेवलप किया गया। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिज़वान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।